हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष विज्ञान आप लोग अपने यूट्यूब चैनल संतोष विज्ञान पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग वैज्ञानिक यंत्र और उसके उपयोग को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे संबंधित सवाल अक्सर एग्जामों में आते रहते हैं। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखें और अंत में एक छोटा सा टेस्ट जरूर दें और उसको कमेंट में अपने आंसर को जरूर लिख कर भेजें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला है अल्टीमीटर। यहाँ पर वैज्ञानिक यंत्र है और यहाँ पर उपयोग है, तो पहला है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ होता है? तो विमानों की ऊंचाई मापने में प्रयुक्त होता है, होने वाले यंत्र है। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने में प्रयुक्त होने वाले यंत्र है। दूसरा, एमीटर। एमीटर एमीटर ये विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाले यंत्र है। एमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाले यंत्र है। तीसरा है एक्यूमुलेटर। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को एकत्र करने वाले यंत्र के रूप में किया जाता है। एक्यूमुलेटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को एकत्र करने वाले यंत्र में किया जाता है। अगला है बैरोमीटर। बैरोमीटर तो इसका उपयोग वायु दाब मापने वाले यंत्र के रूप में किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने में किया जाता है। अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर तो मैनोमीटर का उपयोग विभिन्न गैसों के दाबों को मापने में वाले यंत्र के रूप में किया जाता है। मैनोमीटर को विभिन्न गैसों के दाबों को मापने वाले यंत्र के रूप में किया जाता है। दोस्तों, बैरोमीटर और मैनोमीटर में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बैरोमीटर केवल वायु दाब मापता है, जबकि मैनोमीटर विभिन्न गैसों के दाबों को मापने वाला यंत्र है, विभिन्न गैसों के दाबों को मापने वाला यंत्र है। अगला है कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर तो आप लोग जानते हैं कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है। तो कैलोरी मीटर किसी वस्तु के ऊष्मा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैलोरी मीटर किसी वस्तु में उपस्थित ऊष्मा के मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय गति को मापने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय गति को मापने वाला यंत्र होता है। कार्डियोग्राफ मनुष्य के हृदय गति को ग्राफिक करने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफ से मनुष्य के हृदय गति का ग्राफिक चित्रण किया जाता है और कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय गति को मापने वाले यंत्र है। दोनों में अंतर देख लीजिए। कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय गति को मापता है, जबकि कार्डियोग्राफ मनुष्य के हृदय गति का ग्राफिक निरूपण करता है। अगला है फैदोमीटर। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को कहते हैं। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को फैदोमीटर कहते हैं। अगला है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर द्रवों की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने वाले यंत्र को हाइड्रोमीटर कहते हैं। द्रवों की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने वाले यंत्र को हाइड्रोमीटर कहते हैं। अगला है लैक्टोमीटर। तो दोस्तों, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता जांच करने वाले यंत्र को कहते हैं लैक्टोमीटर। 12 नंबर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। दोस्तों, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में अंतर समझ लीजिए। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापता है, जबकि हाइग्रोमीटर वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। अगला है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर गाड़ियों द्वारा चली गई दूरी को मापने वाला यंत्र है। ओडोमीटर गाड़ियों द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले यंत्र को कहते हैं ओडोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फिग्मोमैनोमीटर धमनियों में बहने वाले रक्त दाब को मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। धमनियों में बहने वाले रक्त को दाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर 15 नंबर है पायरोमीटर। दूर स्थित वस्तुओं के ताप मापने वाले यंत्र को पायरोमीटर कहते हैं। दूर स्थित वस्तुओं के ताप मापने वाले यंत्र को पायरोमीटर कहते हैं। लास्ट है रेन गेज। बहुत इंपॉर्टेंट है रेन गेज। तो किसी स्थान पर वर्षा को मापने वाले यंत्र को रेन गेज कहते हैं। किसी स्थान पर वर्षा के मात्रा को मापने वाले यंत्र को रेन गेज कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट देकर देखिए। मैनोमीटर का प्रयोग गैसों के किस गुण मापने में किया जाता है? पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा द्रव, सी दाब, तीसरा तापमान, डी तापमान। दूसरा क्वेश्चन है कार्डियोग्राम का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो आंसर है पहला ऑप्शन है हृदय गति, दूसरा श्वसन गति, तीसरा रक्तचाप, चौथा विद्युत धारा।
तीसरा क्वेश्चन हाइडोमीटर का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? हाइडोमीटर का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? पहला आंसर है जहाज की ऊंचाई, दूसरा समुद्र की गहराई, सी दूरी, डी अपेक्षित घनत्व। चौथा क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर वायुमंडल के किस गुण को माप करता है? हाइग्रोमीटर वायुमंडल के किस गुण का माप करता है? तो एक पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है आर्द्रता, तापमान, बी सी दाब, डी वायु वेग। पांचवा है रेन गेज का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? रेन गेज का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? पहला ऑप्शन है वायु वेग, दूसरा समुद्र की गहराई, सी अपेक्षित घनत्व और डी वर्षा की मात्रा। छठवां स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पहला है वायुमंडल आर्द्रता, बी रक्त दाब, सी हृदय गति और डी गैस दाब। तो दोस्तों आप इसका आंसर मिला लीजिए, देखिए आपका कितना सही हुआ। दोस्तों अपने आंसर को कमेंट में जरूर लिखें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।